अकेला हूँ मैं, तो जाऊंगा अंदर तो यहाँ पर सही में ये पूरा जेल ही है। उस टाइम का मुझे लग रहा है ये उस टाइम का जेल ही है शायद, तो पूरा अकेला हूँ यहाँ पर, पूरा टनल है तो डर लग रहा है, पूरा टनल में अकेला ही हूँ मैं। हम पहुँच चुके हैं राजाओं के देश में यानी राजस्थान। वेलकम टू माय चैनल गाइस, मिस्टर गो के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अपने आत्मा शांति भ्रमण करते करते मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान में। तो आप पीछे देखकर समझ गए होंगे कि जो ये किला है ये है आमेर फोर्ट। तो चलिए इसके बारे में बताऊंगा भी और थोड़ा आपको घुमाऊंगा भी, तो तब तक स्टे ट्यून। हुआ तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ धर्मशाला, थोड़ा सा ये भी दिखाऊंगा। तो जिस धर्मशाला में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पर ये मंदिर भी है, तो यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो पड़ेगा चार्ज ज़्यादा नहीं है, 140 है जो एफोर्डेबल है मेरे लिए। तो और बाकी होटल में मैं रुक नहीं सकता क्योंकि बजट इतना है नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कैंटीन भी है, तो यहाँ पर टोटल 200 से 250 रूम है। और ये धर्मशाला जो है ये आई थिंक 500 ईयर्स पुराना है, किसी व्यापारी ने बना के दिया था शायद ये, तो ये 500 ईयर्स पुराना है। तो चलिए अभी हम फिलहाल चलते हैं आमेर फोर्ट की तरफ, तब तक स्टे ट्यून। अब जाओ किधर जाओ। तो यहाँ पर मैं सर ने हेल्प किया था, तो यहाँ राजस्थान पुलिस से, तो इन्होंने गाइड किया और बस पे बिठा दिया। तो थैंक यू वेरी मच राजस्थान पुलिस, थैंक यू वेरी मच सर। तो सर ने बिठा दिया मुझे, अब यहाँ से मैं जाऊँगा आजमेर गेट, फिर उसके बाद मैं सीधे जाऊँगा आमेर। तो तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अजमेर गेट के लिए। पहले अजमेर गेट जाना है, अजमेर गेट पे उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से हमें तब जाके आमेर फोर्ट के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं अजमेर गेट पहुँच चुका हूँ और यहाँ से जो बस वाले कंडक्टर भैया है उन्होंने बोला कि AC 1 या AC 5 में जाना, वो सीधे तुम्हें आमेर फोर्ट पहुँचा देगी। तो वेट कर रहा हूँ बस का, चलते रहते हैं, वो गवर्नमेंट बॉस है तो देखते कितनी देर में आता है। दोस्तों मैं बस पे तो बैठ चुका हूँ और यहाँ से मैं सीधे निकल रहा हूँ आमेर फोर्ट की तरफ। तो तब तक स्टे ट्यून, थोड़ा आप नज़ारे भी देख लीजिए इस तरीके का राजस्थान का मौसम हो रहा है, अभी थोड़ा ठंडा है। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं आमेर फोर्ट, तो चलिए पहले मैं बस से उतरता हूँ फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं बाहर से आपको व्यू दिखा देता हूँ आमेर फोर्ट की अच्छी तरीके से। तो ये पूरा लेक एरिया है, तो यहाँ से अभी हम जाएंगे, ये पूरा ऊपर आमेर फोर्ट है। तो अभी एंट्री करते हैं, ऊपर ही मैंने पूछा था कि तो एंट्री ऊपर से ही है। सो लेट्स गो, देखते कि क्या क्या है अंदर फोर्ट में और जो यहाँ का स्ट्रक्चर है वो भी देखेंगे। तो तब तक स्टे ट्यून। तो फाइनली गाइस हम फोर्ट के अंदर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से अभी एंट्री होगी। तो लेट्स सी एंट्री वगैरह कहाँ से होना है। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, पार्क वगैरह भी है यहाँ पर। अभी अंदर चलेंगे तो काफ़ी टूरिस्ट भी है यहाँ पर और लोकल वगैरह भी है। तो अभी पता नहीं, शायद लोग कह रहे थे कि 950 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद हमें जो फोर्ट है वो देखने को मिलेगा।
जो रास्ता बना पालकी के लिए बना था रानियों की पालकी के अंदर बैठा के लिए रानियों को। तो दोस्तों यहाँ पर हम फोर्ट के अंदर घुस चुके हैं और मैं आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने गाइड भी लिया है। ये इतने महंगे नहीं है हमारे अंकल और प्रॉपर इंफॉर्मेशन वगैरह दे के चल रहे हैं। और जो ये रास्ता दिख रहा है तो इस रास्ते से जो उस टाइम रानियाँ होती थी वो लोग उनका जो बैठ के जाया करती थी पालकी के अंदर, मतलब इसी रास्ते से बैठ के जाया करती थी। तो कितनी सीढ़ियाँ होंगी ये? 181 ये मतलब जो सीढ़ियाँ है वो टोटल 181 सीढ़ियाँ है ऊपर तक जाने के लिए। चलिए तब तक स्टे ट्यून। इसको अपन बोलते हैं माउटा लेक, यानी राजस्थान में विंटर होती है दिसंबर जनवरी, उसमें बारिश होती है, उसको हम बोलते हैं मावट। पहले राजे लोग प्रजे के लिए कुएं बावड़ी तालाब बनाया करते थे, ये पूरा बारिश का पानी इकट्ठा होता। तो आपकी कैसी बारिश गिरी वहाँ पे? बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर अभी अंकल ने बताया जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हो ये तीन महल, ये सबसे ऊपर वाला मानसिंह ने बनाया था अपनी रानियों के लिए। गेट के बाहर और ये दूसरा वाला मिर्जा जय सिंह ने अपनी रानी के लिए शीश महल बनाया था। और तीसरा लास्ट के राजा सभा जय सिंह ने कम्प्लीट किया था। और ये जितना भी आप देख रहे हो राजा जय सिंह ने पूरा कंप्लीट करवाया था। उसके बाद जयपुर सिटी बसाया था जाके, फिर उसके बाद जाकर यहाँ जो ये महल कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जो जयपुर सिटी है जिसे आज हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं वो सिटी भी जय सिंह ने बसाया था। तो और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये भी गार्डन है, शायद यहाँ पर सैफ्रॉन की खेती भी होती है। जो जोधा अकबर में जोधा गबूदर पे दाना डालती है, तो जो आप ये व्हाइट मार्बल देख रहे हो तो ये एरिया है। तो यहाँ से आप अभी ऊपर से भी व्यू दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो किले के अंदर में जो ये छेद है, तो यहाँ से मतलब ये सब छेद दूरबीन का काम करती है ना। तो जब भी सिपाही वगैरह यहाँ से देखते थे तो यहाँ से कोई क्या होता था, कोई भी दुश्मन आते थे उनके ऊपर अटैक करते लकड़ी की बंदूक से तीर मार के इस्तेमाल करते थे। मतलब आप देखो कि स्ट्रक्चर कितने अच्छे तरीके से बना रखा, मतलब जो है यहाँ पर बहुत बड़ा है फिर छोटा छोटा होते हुए एक दूरबीन के शेप का बनाया हुआ। चलिए अभी थोड़ा ऊपर चलते हैं हम। ये पूरा राजा उठे में इतनी सुविधा नहीं थी। हाँ से तोड़ना, हाथ से फोड़ना, फिर समतल करना, फिर पत्थर जमाना, इसलिए इतना टाइम लगा था 137 साल तैयार होने में ये महल को टोटल में। और तीन राजाओं ने मिलकर बनवाया था। अब एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर आप लोगों को, तो यहाँ पर एक छोटी गाड़ी आई है देखो। तो यहाँ पर इस तरीके से गाड़िया भी चलती है। तो और हमारे जयपुर में कहावत है जी कि जयपुर शहर है नगीना, नीचे मिट्टी ऊपर है चूना जी। यानी 400 साल पहले राजवटे में कोई सीमेंट नहीं चलती थी जी। इतने जो आप लोग महल देख रहे हो हाँ, तो राजा टाइम पे तो अपनी मिट्टी का गारा और पत्थर से चुनाई करते थे जी। उसके अपने चूने का प्लास्टर करते थे जी। चूने के ऊपर कई प्रकार की चीजें मिक्स किया करते थे हाँ। जो अपने उड़द की दाल होती थी, फिटकड़ी होती थी, गुड़ होते थे, उनको मिक्स करके फिर चूना बनाया करते थे जी। फिर चूने के ऊपर प्लास्टर करते चूने का जी। तो चूने को जितना पानी डाले जितना ही मजबूत है, जितना ही ठंडा रहता है जी जी। इसलिए राजा के टाइम में जो महल थे हजारों साल चलते थे जी। अपन लोग आजकल बिल्डिंग बनाते हैं, ईंट भी बनाते हैं जी, और अपने सीमेंट को यूज करते हैं, सीमेंट भी ओरिजिनल नहीं मिल पाती इसलिए वो गिर जाता है, टूट जाता है। ये पूरा कारपेट का डिजाइन दे रखा है और अपन को यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे कारपेट बिछा रखा है। जो धर्म मूवी यहाँ बनी थी गोल गोल बना बैठ के कभी दाना चुकाती थी। शाम के टाइम पे भी लाइट एंड साउंड भी होता है। तो मैं घूमते घूमते पहुंच गया हूँ महल के मेन पार्ट पे। तो ये सूरज पुल गेट राजरानी गेस्ट है। हाँ हाँ ये पुराना गेट है। राजस्थान की लकड़ी सागवान सिस्टम का होता है। सागवान की लकड़ी पानी कैच नहीं करती जी। बबुल की लकड़ी पानी कैच करती है। हाँ हाँ ये हो गया सूरज पुल गेट, वो गया चांद पुल गेट जी। उधर से पड़ जाती थी, इधर से मिल जाती। तो दोस्तों हाँ घूमते घूमते मैं पहुँच चुका हूँ अंदर। और यहाँ पर जो मेरे सामने दिख रहा है उस टाइम इस तरीके का तोप चला करता था, इस तरीके का जो आप देख सकते हो। और दुनिया की सबसे बड़ी तोप भैया कह रहे कि मतलब जयगढ़ फोर्ट में है। तो अभी थोड़ा और घूमेंगे अंदर क्या क्या है। तो ये यहाँ का मतलब जो है गैलरी, मतलब बहुत बड़ा पार्क वगैरह पार्क टाइप ही है ये। तो दोस्तों अब हम जाएंगे जोधा बाई के महल में।
तो फिर उसके बाद हम शीश महल भी जाएंगे, अंदर दिखाऊंगा आप लोगों को, शीश महल भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं जोधा भाई के महल में। तो दोस्तों फिलहाल जो आप ये ऊपर देख रहे हो, ये राजा ने बनाया था अपने सैनिकों के लिए, और ये कम से कम टोटल 1000 ईयर्स है। और जो ये आप नीचे देख रहे हो, ये है जोधा भाई का महल। यहाँ पर जोधा भाई ने जन्म भी, मतलब उनका जो जन्म हुआ था वो यहीं पर हुआ था, और शादी भी शायद इसी महल में हुआ था। तो आप ये देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। जो ये एरिया है, ये इस एरिया में, जो इस एरिया में जोधा भाई का जन्म, हर चीज़ शादी वगैरह, फिर उस शादी होने के बाद वो चली गई थी आगरा। तो यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है कृष्ण और मीरा का। तो ये जो अभी आप ये सामने देख रहे हो कृष्ण और मीरा का, ये ऑल ओवर इंडिया में शायद एक ही है। आपको हर जगह राधा कृष्ण का मंदिर दिखेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आमेर में यहाँ पर मीरा और कृष्ण का मंदिर एक ही है। तो इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, महल के अंदर। तो चलिए तब तक स्टे ट्यून्ड। अभी हम यहाँ पर जो डांस है वो दिखाएंगे आपको। तो परफेक्ट डांस हो चुका है, तो थोड़ा अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद टिकट ले लिया है, 100 रुपीज़ का टिकट है अंदर घूमने का पूरा। तो एंट्री करते हैं। सो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर अंदर शीश महल की तरफ। तो चले, तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ शीश महल में। आप यहाँ देख सकते हो बहुत छोटे 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 शीशे के टुकड़े हैं, ये राजा ने लगवाया था, क्योंकि उस टाइम रानी का डिमांड था कि मुझे दिन में भी तारे देखने हैं। तो उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये इस तरीके का महल उस टाइम पे बनाया गया था, आप देख सकते हो। तो ये जितना भी डिज़ाइन है आप देख सकते हैं कि मतलब इसके अंदर जो छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं, तो पूरा दीवार पे लगा हुआ है ये। तो अभी थोड़ा उस तरफ भी चलेंगे, हम थोड़ा उस तरफ भी चलेंगे, देखते हैं अभी अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर इससे बाहर हम नहीं जा सकते। अभी मैं किले के अंदर हूँ, पूरा भुलभुलैया टाइप का है यहाँ पर ना, पता ही नहीं चल रहा बाहर कहाँ से निकलूँ। बहुत सारे वो बने हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा नीचे की तरफ सोच रहा था जाने की। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके का पूरा बना हुआ है। जो ये पूरा यहाँ पर नीचे तहखाने वगैरह भी है, पूरा रूम है, पूरा एकदम भुलभुलैया की तरह, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से निकालना कहाँ से नहीं। अभी चलते निकालना कहाँ से यार, रूम तो बंद हो गया। तो यहीं से निकालता हूँ मैं। हाँ मैं आ गया फाइनली, मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ। तो फाइनली गाइस कम से कम एक घंटा एग्जिट देखने के बाद मुझे एग्जिट मिल चुका है। तो अब हम निकलते हैं बाहर।
वहाँ से है। मैं देख नहीं रहा था, अभी यहीं पर आया था मैं, तो उस टाइम मैंने देखा नहीं कि मतलब एग्जिट कहाँ से है करके ना, तो मैं भटकता ही रहा। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर शायद आपने जोधा अकबर देखा होगा, जोधा भाई यहाँ पर यहीं पर बैठी थी शायद उस टाइम पर, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये वही पोर्शन है ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये एग्जिट यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये नहीं लिखा हुआ था तो डेफिनेटली मैं किले में घूमता रहता। तो चलिए हम बाहर निकलते। तो यहाँ पर अंदर टनल है, थोड़ा टनल भी देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर नंदी महाराज भी है, तो ये पूरा टनल है। यहाँ पर शायद कैदी वगैरह को रखते थे। तो पूरा टनल है, आप डर लग रहा है अलग ही भाई साहब। तो देख सकते हो आप, पर पूरा टनल में अकेला हूँ मैं। तो जाऊँगा अंदर, तो यहाँ पर सही में ये पूरा जेल ही है उस टाइम का, मुझे लग रहा है ये उस टाइम का जेल ही है शायद। तो पूरा अकेला हूँ यहाँ पर, पूरा टनल है, तो डर लग रहा है, पूरा टनल में अकेला ही हूँ मैं। भाई साहब, माय गॉड, भाई बहुत हॉरर वाली फीलिंग आ रही है। तो बस टनल यहीं तक ही है, तो इससे ज़्यादा तो है नहीं, तो एकदम हॉरर वाली फीलिंग आ रही है। देखो आप, मुझे फ्लैश जलाना पड़ रहा है टनल की वजह से। तो सो दोस्तों, मैं बाहर आ चुका हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा अमेर फोर्ट का। तो थोड़ा गुम भी हो गया था वहाँ, बुलबुल ऐसा था, गुम हो गया था। तो होप आप लोगों ने वीडियो इन्जॉय किया होगा, और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टर गो को, एंड ताकि मेरे आने वाले और भी वीडियोस, अदर स्टेट में के वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।